मैं नूरुल सिराज पाठशाला कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम गति चैप्टर के एक अगले टॉपिक त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि त्वरण होता क्या है। दोस्तों, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो हम ये कहते हैं कि वस्तु त्वरित है। वस्तु क्या है? त्वरित है। वस्तु का वेग दो केस में बदल सकता है दोस्तों, या तो उस वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ सकता है या तो उस वस्तु का वेग समय के साथ घट सकता है। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ेगा तो उस वस्तु को कहेंगे कि वो वस्तु त्वरण यानी कि त्वरण में है, और जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटेगा तो दोस्तों कहेंगे कि वो वस्तु मंदन में है। तो ये दो केस होता है त्वरण और मंदन का। ओवरऑल मिलाकर हम ये कहते हैं कि वो वस्तु त्वरित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण को कहते हैं कि समय के साथ जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उस वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। दोस्तों, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक त्वरण को त्वरण बोलते हैं लेकिन ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। दोस्तों, दो केस होता है कि त्वरण राशि कैसा है, सदिश है या अदिश है। तो दोस्तों, त्वरण जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन होने के कारण आता है, जबकि हम जानते हैं कि वेग कैसा है, एक सदिश राशि है। तो त्वरण कैसा हो गया? सदिश राशि है। उसको हम ए से दिखाते हैं, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर ये बताएगा कि वस्तु का त्वरण की दिशा क्या है। अब दोस्तों, बात आती है कि त्वरण की दिशा किधर लेंगे। तो दोस्तों, जिधर वेग का दिशा होगा, वेग का परिवर्तन का दिशा होगा, उधर ही त्वरण का दिशा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ा, अगर किसी वस्तु का वेग जो हुआ बढ़ा, तो बढ़ने से मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं त्वरण धनात्मक है। और अगर किसी वस्तु का वेग घटा यानी कि पहले वेग से कम वेग हो गया यानी कि ऋणात्मक त्वरण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। बच्चों, आपको हमेशा दो बात पे ध्यान देना है कि जब वेग बढ़ेगा, जब वेग जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, तो त्वरण का दिशा वेग के दिशा में होगा। त्वरण का दिशा क्या होगा? वेग के दिशा में होगा। और जब किसी वस्तु का वेग घट गया तो त्वरण का दिशा वेग के जस्ट विपरीत दिशा में होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पे दो पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर वेग में परिवर्तन धनात्मक होगा यानी कि पहले कम था, वेग बढ़ के ज्यादा हो गया, तो उसे त्वरण कहेंगे, और अगर वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होगा तो उसे बच्चों क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे, यानी कि डिसलरेशन कहेंगे। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप किसी कार पे या किसी बस पे आप जाते हैं तो दोस्तों, जब ड्राइवर जो होता है अपने गाड़ी का वेग बढ़ाता है तो एक्सेलरेटर पे पावर रखता है, तो आप बता सकते हैं कि वो जो गाड़ी थी वो त्वरित हो गई, यानी कि उस गाड़ी का क्या हो गया? त्वरण हो गया। और उसका दिशा दोस्तों आप देखते होंगे कि जिस दिशा में गाड़ी जा रही थी उसी दिशा में उस त्वरण का दिशा होगा। दूसरा केस क्या होगा दोस्तों, कि अगर गाड़ी को ड्राइवर रोकना चाहता है तो गाड़ी को सबसे पहले क्या करता है? ब्रेक लगाता है। जैसे ही गाड़ी पर ब्रेक लगाता है दोस्तों, तो गाड़ी का जो वेग होता है वो धीरे 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 कमने लगता है, और एक समय आता है जब गाड़ी एकदम स्लो हो जाती है यानी कि रुक भी जाती है, तो उस केस में उस गाड़ी का क्या हो जाता है? मंदन होता है, और उसका जो दिशा होता है जिधर गाड़ी जा रही थी उसके जस्ट विपरीत दिशा में होता है। ये दो केस पढ़े। आइए इसके सूत्र के बारे में जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे औसत त्वरण के बारे में, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चले कि जब किसी वस्तु या जब किसी गाड़ी का वेग, आपने टाइम देखा एट टी बराबर टी वन पे अगर उस वस्तु का वेग वी बराबर वी वन था, और एट टी बराबर टी टू पे यानी कि कुछ समय बाद उस वस्तु का वेग क्या हो गया? वी बराबर वी टू हो गया। तो पूछ रहा है कि औसत त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों, हमने बताया था कि औसत त्वरण या त्वरण वो चीज होता है जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। आइए, त्वरण का क्या हो जाएगा? ए एवरेज, क्योंकि हमारा सदिश राशि है तो ऊपर तीर लगाएंगे, एवरेज यानी कि औसत क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन कैसे लिखते हैं? परिवर्तन होता है बाद का वेग माइनस पहले का वेग, तो बाद का वेग वी टू, एरो लगा दो क्योंकि यह एक सदिश राशि है, ठीक है, माइनस पहले का वेग वी वन, बटा में टोटल लगा समय टी टू माइनस टोटल लगा समय टी वन। दोस्तों, ये होता है हमारा औसत त्वरण का मान।
ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल भी यानी कि वेग में परिवर्तन बटा टाइम में परिवर्तन। हमने पढ़ चुका है कि त्वरण जो होता है वो एक सदिश राशि है, तो आइए इसकी इकाई के बारे में पढ़ते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो हम यूनिट निकालने का तरीका पढ़ चुके हैं पहला लेक्चर में, कि बस उस सूत्र में जितने भी राशियां दी हुई है उसका मात्रक रख दीजिए, हमको यूनिट मिल जाएगा। जैसे ए में ऊपर भी का मात्रक, नीचे समय का मात्रक। दोस्तों हम जानते हैं कि भी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड गुणे सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट कर लेना, ये कभी कभी एक नंबर में आता है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और त्वरण राशि कैसा है तो त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बता देता हूं कि त्वरण होता क्या है। दोस्तों जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसके समय के साथ दर को हम बोलते हैं उस वस्तु का त्वरण। दोस्तों त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। त्वरण का दिशा जो होता है हमेशा वेग में परिवर्तन के दर के दिशा में होता है। दोस्तों अब हम एक समान त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। दोस्तों जब किसी वस्तु या जब किसी गाड़ी का वेग एक निश्चित समय अंतराल में उस वेग का जो परिवर्तन हो समान हो, तो उस वेग के परिवर्तन में जो दर होगा यानी कि उसके चलते जो त्वरण होगा उसको एक समान त्वरण कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु का वेग बराबर समय अंतराल में समान परिवर्तन हो तो उसे एक समान त्वरण कहेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का वेग शुरुआती वेग यानी कि शुरुआती वेग क्या है, शुरुआती वेग कहें या प्रारंभिक वेग कहें, अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग अगर बच्चों u है और अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग मेरा क्या है अगर v है, प्रारंभिक से अंतिम वेग होने में समय मेरा अगर समय बराबर अगर t लग रहा है, तो दोस्तों त्वरण का जो मान होगा, त्वरण का जो मान होगा वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय टी। इस प्रकार दोस्तों त्वरण का मान हो जाएगा अंतिम वेग यानी कि भी प्रारंभिक वेग यानी कि यू बटा में टी, या और ऐसे कर सकते हो कि भी माइनस यू बराबर ए टी, या भी बराबर यू प्लस ए टी। दोस्तों ये सूत्र नंबर वन, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, जब किसी वस्तु का वेग बराबर समय अंतराल में बराबर समान परिवर्तन हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं, और जब किसी वस्तु का त्वरण एक समान होगा उस केस में अगर उस वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u होगा, अंतिम वेग v होगा, और प्रारंभिक से अंतिम वेग होने में t समय लगता है, तो उस वस्तु का त्वरण का निकालने का सूत्र क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि वेग में परिवर्तन और उसके दर यानी कि समय, इसको रख देंगे सूत्र में तो a बराबर हो जाएगा v माइनस u बटे में t, v माइनस u बराबर इसको इसमें गुणा कर देंगे at हो जाएगा, v बराबर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो v बराबर u प्लस at हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये सूत्र नंबर एक मिला। इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब मेरा त्वरण क्या होगा, एक समान। तो अब हम असमान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर, वेग में परिवर्तन का दर एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय
अंतराल में समान न हो, समान न हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। दोस्तों, जब किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन होता हो और एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन का जो दर होता हो दोस्तों, वो समान न रहा हो, तो उस केस में उस वस्तु के त्वरण को बोलते हैं कि वो वस्तु का त्वरण क्या है? असमान है। सिंपल फंडा है, दो चीज ध्यान में देना है। अगर निश्चित समय अंतराल में वेग परिवर्तन का दर अगर समान होगा तो वो एक समान त्वरण कहलाएगा, और अगर वेग में परिवर्तन का दर एक निश्चित समय अंतराल में समान नहीं होगा तो उस केस में असमान त्वरण कहेंगे। इन दो चीज याद रखना है, समान त्वरण और असमान त्वरण में। आइए दोस्तों, अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं।